बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद एरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मटन कलेजी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप कलेजी बनाएंगे तो कलेजी बहुत ही ज़्यादा नरम और मक्खन की तरह मुलायम बनेगी। तो बगैर स्किप किए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बीफ कलेजी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए मटन कलेजी आधा किलो। कलेजी को साफ़ कैसे किया जाता है, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगी। तो सबसे पहले कलेजी को हम मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, एक चाय का चम्मच पिसा हुआ गर्म मसाला, एक चाय का चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक या फिर हसबे जायका, एक चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका या फिर आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं, एक चुटकी इसमें हम अजवाइन डाल देंगे। इस तरह से इसको हाथ की मदद से क्रश करके डालेंगे। अब हमें चाहिए एक अदद फ्राई की हुई प्याज। प्याज को हमने फ्राई कर लिया था और उसके बाद इस तरीके से इसको पीस लिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इन तमाम मसालों को स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने देंगे। अब ये मैंने आधा कप ऑयल ले लिए, इसी में मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो ऑयल में हम डालेंगे एक चाय का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। चंद सेकेंड के लिए लहसुन को हम फ्राई करेंगे। तो कलेजी हमने मैरिनेट की हुई थी वो इसमें डाल देंगे। अब 6 से 7 मिनट लगातार चम्मच चलाते हुए कलेजी को हमने भूनना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको भूनना है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनेगी और ना ही कलेजी का कलर ब्लैक होगा। बहुत ही मज़ेदार मसालों की खुशबू आ रही है और कलेजी को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। आधा किलो कलेजी के लिए 1 पाव टमाटर मैंने ले लिए और इसको पीस लिया है, ये अब हम इसमें डाल देंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे ताकि टमाटर जो हमने डाले हैं वो भी अच्छे से गल जाए। और बगैर पानी डाले इसको हमने इसी तरह लगातार भूनते जाना है। टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है तो उसी में ये मज़ीद पक जाएगी। तो मज़ीद 6 से 7 मिनट इसको मैंने भून लिए, ऑयल सेपरेट हो गए और कलेजी भी पक चुकी है। तो ये ज़बरदस्त सी मटन कलेजी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो चंद बातों को आप लोगों को ख्याल रखना है। एक तो कलेजी को ओवर कुक नहीं करना, इससे भी कलेजी सख्त हो जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट ऑयल में कलेजी को नहीं डालना, इससे कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद एरम।